एक गर्लफ्रेंड के सपने से आगे भी है, बहुत आगे। पड़ोसियों की मदद करना, उनका ख्याल रखना वो अपना परम कर्तव्य समझता है। और अगर पड़ोस में कोई खूबसूरत लड़की हो तो क्या कहने, फिर तो वो उनके लिए बाल्टी में पानी ढोने तक के लिए तैयार होता। अच्छा, तो इस नई पड़ोसन ने तुम्हारा पड़ोसीपन भी जगा दिया? ऑफ कोर्स। देख करीमा, बेचारी की बेटी ने मुंह खोलकर पानी मांगा है। मैंने प्रॉमिस किया है, लेकर जाऊंगा पानी। तुम पानी देने नहीं जाओगे? क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं नहीं जाने दूंगा। अरे देख करीमा, मुझे मत रोक। सुनो संजू बाबा, नल निचोड़ निचोड़ कर मुश्किल से आधा बाल्टी पानी मिला है। लाओ बाल्टी। नहीं, लाओ कहा ना। अरे मेरी जुबान का तो सोच करीमा। संजू बाबा सुनो, अगर तुम पानी देने जाओगे ना तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उस घर में भी और इस घर में भी, ऐसा चाची कहती है। बुद्धू, इंप्रेशन ही तो बनाना है। और मुझे खाना दो। दे, दे, पानी छोड़ दे। संजू बाबा देखो, संजू बाबा लाओ। अरे छोड़ दे। तुमने मेरी शिल्पा के साथ क्या किया? कुछ नहीं। अरे वाह, अब साथ मुकर रहे हो? अब मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा कह के तुम इतनी आसानी से अपने को माफ नहीं कर सकते? जिद तो उसी ने की थी। मेरी शिल्पा ऐसी नहीं है। वो इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है, इंसिडेंट्स तो लैब में होते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उस भोली भाली मासूम को हाथों में फंसा कर तुमने इन सारे बच्चों में एक बच्चा और भी शामिल है जिसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, बस धूप में कुछ बाल सफेद हो गए। बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनकी खुशी में शामिल होना डैडी जी को इतना पसंद है कि वो उसके लिए मम्मी जी की डांट खाने तक को भी तैयार है। चूहे में घर गाड़ी बंगला दांव पे लगा देना, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। यस, तो घर देखिए। बेचा बेचा, तुम दोनों भाई बहन मिलकर के मेरे साथ में बेमानी कर रहे हो। नेवर। ये लो, जब से तेरी नजर थी मेरे बंगले के ऊपर, ले दिया। चलो जल्दी। आप ये बंगला बेच रहे हैं? क्या करूं बेटी, ये पैसे जो खत्म हो गए थे। खबरदार, ये क्या हाल बना रखा है। घर में पानी नहीं है और आप लोग इस तरह क्या? नहीं बेटे, सदर साहब का बाली जो है वो गार्डन में पानी वेस्ट कर रहा था, मैं उसे डांटने गया तो पाइप से मेरा पाँव अटक गया, उम्मीद कर पड़ा। और आप दोनों का पाँव किस पाइप में अटक गया? पाइप? हम लोग तो दद्दू के साथ कबड्डी खेल रहे थे। दद्दू सीढ़ी में कर रहे थे। मैं तुम दोनों के साथ में बिल्कुल नहीं खेलूंगा। कट्टी कट्टी। खबरदार। डैडी जी, ये क्या है? यही है राइट चॉइस बेबी। ओह, पर आहा। डैडी जी, ये है क्या? वॉकमैन। वॉकमैन। डैडी जी, आप कहाँ गए थे? डैडी जी कहाँ गए थे बताओ, हम कहाँ गए थे? सूजी, हम डिस्को गए थे। अच्छा। डोनेशन का दरिया खुद चलकर हमारे घर तक आ रहा है और हमें चुल्लू भर चेक तक नहीं मिलेगी। फिटे में इस घर में है एक महारानी, किसी को नहीं करने देती मनमानी, अगर कुछ करने की कोशिश की तो बंद कर देगी दाना पानी। जी हाँ, मम्मी जी सब पर हावी रहती हैं। डैडी जी तो उनकी डांट खाते ही रहते हैं, फिर भी न जाने क्यों उनका होमवर्क करते जाते हैं। दरअसल मम्मी जी के सर पर सोशल सर्विस का भूत इस कदर सवार है कि घर आए दुश्मनों के सामने भी डोनेशन का जिक्र करते हुए नहीं चूकती। कमाल है ना? अपन ने फैसला कर लिया कि तुम लोग को 1.5 करोड़ रुपए देने का। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमारी इस संस्था को डोनेशन दे दीजिएगा, 10-20 लाख। ए मां, तेरा 20 लाख का डोनेशन कैंसिल। हाँ। सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। मम्मी देखा डैडी जी, सरकार खुद ही ये अग्रम बग्रम लॉ बनाकर घूसखोरी की प्रथा स्थापित करती है। तू तो क्या कर रहा है? बस सोने ही जा रहा था। पर आप क्या कर रही हैं? अच्छा है तू जागा हुआ है, ले एक बाल्टी पानी ऊपर पहुंचा। हैं? ये आप कह रही हैं? आप ही ने तो रूल बनाया था, बड़ों के मुंह नहीं लगते, पानी लेकर आ। वैसे ही क्या मतलब? ये ले। जी, आप ही। घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अगर सही हो रहा है तो मुस्कुरा देना, अगर गलत हो रहा है तो नाक भौं सिकोड़ लेना, ये तो भैया की पुरानी आदत है। आप समझ रहे हैं ना मैं किसके बारे में कह रहा हूं? मैं तो भूल ही गया। ए भाई, ये मरने मारने की बात आ गई है। हाँ। जिसकी चिट्ठी उसको वापस कर दो।
वापस कर दो, ये लीजिए। ए, ये रख। सूजी डार्लिंग, रिश्ते में तो तुम्हारी बहन ही लगती है ना। हाँ, मुझे मालूम होता इतनी उम्र की मेरी सौतन होगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ठीक है सूजी, अगर तुम्हें मुझे बहन कहना अच्छा नहीं लगता तो ना कहो, आंटी ही कह लो। आपकी खुशी के लिए तो मैं इसकी ग्रैंड मदर भी कहला सकती हूँ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सूजी, सूजी। हाँ हाँ, वही वही वही। तुम जाके कीर्ति के कमरे में सो जाओ, जाओ। व्हाट? इसीलिए ब्याकर लाया तुम मुझे? ब्याकर मैं? अरे हाँ, I'm sorry, भूल गया था। सॉरी सूजी, सूजी, सॉरी सूजी, इनको जरा भूलने की आदत है। बच्चों की चाची के छोटे दिमाग की मोटी अकल में क्या 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 घूमता रहता है, इसका अंदाजा जब आज तक मैं नहीं लगा पाया फिर आप तो भूल ही जाइए। दरअसल भगवान के यहाँ जब मासूमियत बढ़ रही थी ना तो चाची क्यों में सबसे आगे थी। अब ये मत पूछिएगा हाय हाय क्यों। तेरे वो का है? वो अपने डार्लिंग से मिलने गए। क्या? ऑफिस गए हैं। तूने किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया चंचल? चंचल, तू ठीक है ना? हाँ, तेरा सोमू के साथ सब ठीक है ना? ठीक ठाक, फिट फैट, एकदम फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। तेरा सब्जेक्ट क्या था फिर? चला, कोई सुनने एक